हेलो क्रिकेटर्स, क्रिकेट कार्डियो की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने टाइटल को तो पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक बॉल को कैसे आप ग्रिप कर सकते हो, उसको इन स्विंग और आउट स्विंग कैसे कर सकते हो, इनकी ग्रिप्स क्या होती है, इनका रिलीज पॉइंट क्या होता है, स्टंप्स के पास करनी चाहिए या स्टंप्स के दूर। मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो दोस्तों सिर्फ बॉलर्स के लिए नहीं है, ये बैट्समैन के लिए भी है, क्योंकि बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है, एक बॉलर उसकी तरफ जब रन अप लेके आता है, तो बैट्समैन का सबसे पहला फोकस होता है बॉलर के हाथ पे। अब जब बैट्समैन को यही नहीं पता होगा कि बॉल को कैसे इनस्विंग, मतलब कौन सी ग्रिप से आपकी इनस्विंग होगी, कौन सी आउटस्विंग होगी, तो वो अच्छे से बैटिंग कर ही नहीं पाएगा। और एक बात और बॉलर्स कि अगर मैं अपने बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आपकी जो पेस डिलीवरीज होती हैं वो बैट्समैन को इतना परेशान नहीं करेगी जितनी आपकी इनस्विंग और आउटस्विंग डिलीवरीज करेंगी। तो आज दोस्तों मैं इनस्विंग और आउटस्विंग दोनों के बारे में बात करने वाला हूं, पर इससे पहले एक नॉर्मल डिलीवरी की क्या ग्रिपिंग होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूं एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक बॉलिंग ग्रिप क्या होती है। इसमें आपको 5 मेन स्टेप्स बताने वाला हूं। आपकी जो ग्रिप होती है दोस्तों, ये जो सीम होती है, लेफ्ट सीम में आपकी फर्स्ट फिंगर आएगी, राइट सीम में सेकंड फिंगर, बाकी की जो दो फिंगर्स हैं वो साइड से ऐसे सपोर्ट करेंगी, और आपके फोर्थ स्टेप में यहाँ पे थंब ऐसे सपोर्ट करेगा बिल्कुल बीच में से, और लास्ट स्टेप में आपको इंश्योर करना है कि आपका एक फिंगर का गैप यहाँ पे हो। ये बहुत ही परफेक्ट बॉलिंग ग्रिप होती है एक बॉलर के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक बॉल के स्विंग होने के पीछे की साइंस क्या होती है। आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि यार एक बॉल कैसे स्विंग करती है, इसके पीछे की साइंस क्या होती है। देखो दोस्तों, आपने टीवी पे तो देखा ही होगा प्लेयर्स को ऐसे रब करते हुए बॉल को, वो ऐसे अपने लोअर से रब करते हैं, या फिर ऐसे स्वेटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर पहले तो थूक का भी करते थे, बट अब कोरोना की वजह से तो ये सलाइवा वाला बैन हो चुका है, बट अभी भी लोअर वाला, मतलब रब करने वाला और स्वेटिंग वाला अलाउड है। तो देखो इसका फायदा क्या होता है, एक बॉल एक साइड से शाइन हो जाती है और दूसरी साइड से रफ हो जाती है। अब जैसे ही बॉलर बॉल डिलीवर करेगा, शाइनी साइड में कोई रुकावट नहीं होगी, तो हवा बहुत ही तेजी से यहाँ पे फ्लो करेगी। ज्यादा हवा होने के कारण दोस्तों ये बॉल इस साइड मूव करेगी, यहाँ पे ज्यादा हवा है, यहाँ पे कम हवा है, तो ज्यादा हवा की वजह से ये बॉल को ऐसे पुश करेगी हवा, तो इसकी वजह से ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगी। और यहीं पे अगर बॉलर बॉल को उल्टा पकड़ेगा, अब यहां पे शाइनी साइड है, यहां पे ज्यादा तेजी से हवा जाएगी, तो इसकी वजह से ये आउटस्विंग होगी, मतलब बाहर की साइड जाएगी। तो यही दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका होता है आपको समझाने का। अब मैं आपको बताता हूं कि इनस्विंग के ग्रिप्स और रिलीज पॉइंट्स और भी अलग अलग पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अब चलते हैं इनस्विंग की तरफ। इनस्विंग में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ग्रिपिंग सिखा देता हूं, और आप ध्यान से जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो इनस्विंग और आउटस्विंग दोनों की ग्रिप्स में। ठीक है, ये आपकी शाइनी साइड है, ये आपकी रफ साइड है। आपको बॉल को थोड़ा सा लेग स्लिप की साइड करना है ताकि आपकी सेम लेग स्लिप को देख रही हो। उसके बाद आपको जैसे मैंने ग्रिपिंग सिखाई थी नॉर्मल ऐसे ग्रिप कर लेनी है। इस बार आपको सेम टू सेम नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा बॉल को टिल्ट करके और ऐसे ग्रिप करनी है। ये देखिए ये शाइनी साइड है, मैं आपको पास से भी दिखा देता हूं, ऐसे ये आपका एंगल रहेगा, और आपका जो पाम रहेगा, ये आपका जो पूरा, ये पूरा जो पाम है दोस्तों, ये आपका पूरा बैट्समैन को देखना चाहिए, मतलब आपका ऐसे मोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आउटस्विंग होने के ज्यादा चांसेस है। आपको ये पूरा बैट्समैन की तरफ दिखाना है, और बॉल को कैसे रिलीज कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, आपने बुमराह को तो देखा ही होगा, वो काफी पास से लेके जाते हैं अपने, जब भी उन्हें इनस्विंग करानी होती है कान के काफी पास से लेके जाते हैं, वो बाहर नहीं रखते हैं। पास की वजह से दोस्तों आपका एंगल बनेगा इनस्विंग के लिए। ठीक है, तो ये रिलीज के लिए ये हो गया। अब मान लीजिए यहां पे स्टंप्स है, आपको क्या करना है, स्टंप्स के जो बहुत बाहर एक लाइन बनी होती है उसे पॉपिंग क्रीज कहते हैं, इस पूरे एरिया को। ठीक है, तो जो काफी जितना ज्यादा बाहर से आप फेंकोगे उतना ही आपको एंगल मिलेगा इन स्विंग के लिए। ठीक है, तो आपको स्टंप्स के पास नहीं, स्टंप से थोड़ा सा दूर आपको जंप लेके और बॉल को डिलीवर करना है। ये था दोस्तों इन स्विंग के लिए।
आउटस्विंग के लिए दोस्तों सारी चीजें आपको अपोजिट तरीके में करनी है। अब देखिए, जैसे ये शाइनी साइड हमने पकड़ रखी थी इनस्विंग के लिए, हमें इसे उल्टा पकड़ना है, ठीक है। ऐसे उल्टा पकड़ने के बाद आपको बॉल को एंगल करना है थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप की साइड, क्योंकि हमें आउटस्विंग करानी है, ठीक है। इसके बाद आपको जो मैंने आपको ग्रिप सिखाई थी वैसे ही ग्रिप कर लेनी है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ऐसे ग्रिप करके। अब बात आती है रिलीज की, आप रिलीज कैसे करोगे। ये देखो, अब बुमराह आपने देखा कि तक कान के पास से लेके जाते हैं, अब हमें थोड़ा सा दूर से करना है, बिल्कुल क्लोज नहीं करना है, क्योंकि अब हमें अंदर एंगल नहीं करना है, हमें बाहर की साइड एंगल करना है। बाहर के लिए दोस्तों हमें थोड़ा बाहर से पकड़ना है और बाहर से ऐसे रिलीज करना है, ठीक है। और जो आपका पाम की पोजीशन रहेगी दोस्तों, इस बार आपका पूरा पाम नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ये वाली जो साइड है ये बैट्समैन को देखेगी, और ऐसे आपको थोड़ा सा एंगल बना के रिलीज करना है, क्योंकि जब ये बैट्समैन को देखेगा दोस्तों, आपको एक एंगल बनेगा हाथ से, टप्पा खा के अपने आप आपको बहुत अच्छी आउटस्विंग मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपको स्टंप्स के क्लोज टू द स्टंप्स करना है या अवे टू द स्टंप्स। इसमें दोस्तों आपको क्लोज टू द स्टंप्स करना है, मतलब बिल्कुल स्टंप्स के पास से आपको बॉल को डिलीवर करनी है, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा एंगल मिलेगा आउटस्विंग के लिए। अब जाते जाते मैं आपका फॉलो थ्रू से रिलेटेड भी एक क्वेरी सॉल्व कर जाता हूं। काफी सारे बॉलर्स ये बोलते हैं कि इन स्विंग में उन्हें बिटवीन द लेग्स करनी चाहिए फिनिश, या फिर आउटसाइड, अपने बॉडी के आउटसाइड ही करनी चाहिए। ये देखो दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस में ज्यादा अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आउटस्विंग की बात वहां पे हम करें तो आउटस्विंग में तो आपका फ्लो की वजह से आपका भारी फिनिश होता है दोस्तों। आई होप मैंने आपकी इस वीडियो से ऑलमोस्ट जो भी आपकी स्विंग से रिलेटेड क्वेरी है वो मैंने सॉल्व कर दी होगी। अगर अभी भी कोई रह गई है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, वैसे वैसे ट्रायल्स पास आते जा रहे हैं, तो अगर आपको सेलेक्टर्स को इंप्रेस करना है तो स्विंग बॉलिंग की घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये आज की वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना यार, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, और अपने दोस्तों के साथ, बॉलर फ्रेंड जो है उनके साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कौन सी अलग अलग वीडियोस मुझे बतानी चाहिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके में एक्सप्लेन कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।